अच्छा जी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर के मनाजिर हैं कराची के, चूंकि इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चार रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर तोशाखाना केस में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है। ये पुलिस एहलकार हैं, ये लेयर्स बनाई गई हैं कि अगर कारकुनान की तादाद अगर बढ़ जाए और यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो तो उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाना है। लेडीज एहलकार भी हैं, जेंट्स भी हैं, ये देख सकते हैं आप, और जवान इस वक्त मौजूद हैं। कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आना शुरू हो चुके हैं और सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए ये लेयर्स बनवाई जा रही हैं, पहली, सेकंड और थर्ड, और जो कारकुनान हैं वो पहुंच रहे हैं, अब कुछ पहुंच चुके हैं। अगर आप ये देख सकें तो जो कारकुनान आए हैं, इतला ये है कि बड़े पैमाने के ऊपर कारकुनान की कॉल है कि वो यहाँ पहुँचेंगे। ये धरना यहाँ देना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप ये देखें तो शारा इराक को दोनों तरफ से यहाँ ब्लॉक कर दिया गया है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और जो अतराफ की गलियाँ हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने की, तो इनको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है आमदोरफ्त के हवाले से। अब जो लोग दफातर से अपने घरों की तरफ जा रहे थे, ये देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और ये आ रहे हैं, जॉक दर जॉक यहाँ पहुँचना शुरू हो रहे हैं। और चूँकि पता है कि आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही ये फैसला दिया है, तो इस सिलसिले में की सारी चीज़ें डेवलपमेंट सामने आई हैं, तो जो ताज़ा अपडेट्स आएंगी तो आपको आगाह रखेंगे जी। तो ये अब तक की जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है, जो मनाजिर है मैंने आपको दिखाए, जैसे कोई अपडेट्स आएंगी तो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे।